हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम फेवरेट। एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और बात करेंगे आज हम मध्य प्रदेश। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर, GPH कैंपस प्रोग्राम पोलो ग्राउंड इंदौर। ठीक है, आपको बता दी जाए कि जो अप्रेंटिस है उसके लिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो डेट 12 नवंबर 2021 है, ठीक है, इसके लिए विज्ञापन आया हुआ है। किसके लिए? अप्रेंटिस के लिए। ठीक है, तो बात करें हम मध्य प्रदेश पश्चिम। विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर, मध्य प्रदेश के मूल निवासी, ITI में या फिर SCVT हो फिर या फिर NCVT हो उत्तीर्ण जो है उम्मीदवार, उनके लिए अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्राम असिस्टेंट, जिसको हम कोपा बोलते हैं, स्टेनो के ट्रेड में अप्रेंटिस एक वर्षीय शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित करती है। ठीक है, और बात करेंगे हम ट्रेड की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अप्रेंटिस संख्या इलेक्ट्रीशियन में 75, कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा में 20, स्टेनो हिंदी में 18 और कुल मिला के 113 हो गए। ठीक है, बात करें हम आगे अनारक्षित SC और ST की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे अनारक्षित में इस प्रकार से डिवाइडेड है। ठीक है, कोपा में 8 है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन में 28, स्टेनो हिंदी में 6 और टोटल मिला के 42, अनुसूचित जाति SC में 18 है, ST की बात करें इसमें 23 है, OBC की बात करें तो इसमें आपके 30 है। ठीक है, और इसी प्रकार से आर्थिक रूप से कमज़ोर है इसके लिए भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आरक्षण में आयु में छूट आपको मिल जाएगी, इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और सभी वर्गों के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु जो है वो 1/1/2021 को 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। बात करेंगे सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु जो होगी वो होगी 25 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं 25 ईयर्स। और SC ST की अनुसूचित और SC ST और OBC की बात करें जो कि नॉन क्रीमी लेयर के उम्मीदवार हैं, उनकी अधिकतम आयु है वो 5 वर्ष और दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट रहेगी। SC ST OBC को 5 वर्ष और जो दिव्यांगजन है उनको 10 वर्ष। ठीक है, और जो जनरल कैटेगरी से है उनको 25 ईयर्स अधिकतम होना चाहिए। ठीक है, विद्युत कार्य हानिकारक होने के फलस्वरूप दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु कोई पद आरक्षित नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। ठीक है, जो चयन आपकी प्रक्रिया है वो किस प्रकार से हो जाएगी? सिलेक्शन प्रोसेस अर्हता सुनिश्चित करने के विज्ञापन मापदंड अनुसार प्राप्त आवेदनों की छटाई की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से दी गई योग्यता, यहाँ पर आप देख पाएंगे योग्य उम्मीदवार केवल एक ही ट्रेड में आवेदन भर सकता है, याद रखिएगा, और निर्धारित समय अवधि में ज्वाइन न करने पर जो चयन आपकी प्रक्रिया है वो निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, और इस प्रकार से आपके जो ट्रेड है मैदानी परीक्षण ट्रेड अप्रेंटिसशिप, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे शिक्षुता प्रशिक्षण कंपनी के निम्न कार्यालयों के अधीनस्थ प्रदाय किया जाएगा और ट्रेडवार कार्यालय एक कार्यालयवार उपलब्ध सीटों का विवरण इस प्रकार से है, आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपकी सीटें हैं। ये PDF आपको अगर डिटेल्स में देखना है तो आप टेलीग्राम में जाकर के एग्जाम फेवरेट सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर ये PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, बात करेंगे स्टाइपेंड की, तो आपकी जो सैलरी, मतलब एक प्रकार से सैलरी बोलना चाहिए, अप्रेंटिस जो प्रशिक्षु है, ठीक है, उनको प्रति माह इस प्रकार से आपको सैलरी उपलब्ध होगी। ठीक है, 7,700 और 8,050 प्रति माह। बात करेंगे चिकित्सा स्वास्थ्य मानक की, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, छोड़ दीजिए आवेदन। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करेंगे, तो सिलेक्शन प्रोसेस आप देख पाएंगे यो जो उम्मीदवार है वो वेबसाइट, ये वेबसाइट भी है आपकी। ठीक है, इसमें आपका आपको पंजीयन करना है। ठीक है, और उम्मीदवार पंजीयन के उपरांत अपना आवेदन संलग्न प्रपत्र में निर्धारित प्रविष्ट कर दस्तावेज संलग्न कर डाक द्वारा या फिर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कंपनी मुख्यालय में दिनांक 16/11/2021 से लेके 30 नवंबर 2021 तक प्रेषित करना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। ठीक है, और महत्वपूर्ण निर्देश या PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में, वहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था वो आपको हमारे द्वारा बताया गया। और जो आपका आवेदन की बात करें तो ये देखिए आप, यहाँ पर आपका आवेदन पत्र ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको। ठीक है, इस प्रकार से आपका आवेदन होगा। ठीक है, ये देख पा रहे हैं यहाँ पर पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, आवेदक का पूरा नाम, पिता या पति का नाम। ठीक है, और आपका जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पंजीयन क्रमांक है वो रहेगा, लिंग, जन्मतिथि रहेगी, पत्र व्यवहार का पता, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, स्थायी पता। ठीक है, और इस प्रकार से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे आवेदक की हस्ताक्षर होगी, साइन होगी। ठीक है, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में।